इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर हेल्पलाइन ऐप या वेब पोर्टल के जरिए आपने पूरा कर लिया है, परंतु परिवार के कुछ सदस्य रह गए। क्या बच्चों को भी उसके अंदर जोड़ना था? सबसे बढ़िया मेथड हो क्या सकता है, ऐप, वेब पोर्टल या कोई अन्य मेथड? इसके अलावा कुछ गलतियां रह गई जब आप इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को पूरा कर रहे थे, आपके नाम में या परिवार के सदस्यों के नाम में। कुछ सदस्यों को आपने ऐड किया परिवार के, परंतु उनका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, या उनका वेरिफिकेशन अलग से करना था या सबका एक साथ करना था? क्या सर्टिफिकेट सभी को मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, उसको देना किसको है? अगर किसी नए सदस्य को जोड़ा जाएगा तो उसके लिए हमें कहाँ पे देखना पड़ेगा, उसकी डिटेल्स कैसे चेक करें? आपको नंबर नहीं मिल रहा है, रेफरेंस नंबर, आप कैसे ढूंढें अपनी डिटेल्स को? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैं 6 से 7 वीडियो इस वोटर हेल्पलाइन ऐप के ऊपर या इस इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के ऊपर प्रोड्यूस कर चुका हूँ। उसकी लिस्ट पूरी की पूरी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में मैंने किस तरीके से वोटर हेल्पलाइन के थ्रू या वेब पोर्टल पे आपको पूरा करना है वो सारा समझाया है, एक एक स्टेप्स वहाँ पे बताए हैं। परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए, और अभी जैसे मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट डाली थी, उसमें आप सभी से आग्रह किया गया था कि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है दिमाग में या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसके अंदर कमेंट्स कीजिए। तो वहाँ पे जो भी कमेंट्स रिसीव हुए हैं उन सबको मैंने इकट्ठा किया है और कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, आपके काम का हो सकता है, आपके किसी मित्र का काम का हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य के काम का हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से आपने पहले वाले वीडियो को देखा है उसी तरीके से इस वीडियो को भी देखें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, मे भी उसकी हेल्प हो जाए, उसको प्रॉब्लम्स हो, इस तरह की कोई समस्या हो वो सोल्व हो जाए। तो अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम आपकी है, ज़रूरी नहीं है वो प्रॉब्लम दूसरे को हो, हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे साथी को वो प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को 1 by 1। पहला क्वेश्चन है कि वेब पोर्टल के ऊपर या ऐप के ऊपर आपने एक बार वेरिफिकेशन कर लिया है, अब आपने आपके नाम में कोई बदलाव किए, वो फॉर्म 8 या फॉर्म 8A की हेल्प से हो सकते हैं, तो क्या अब दोबारा से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा? तो मैं एक चीज़ पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वेरिफिकेशन का प्रोग्राम मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वेरिफिकेशन का प्रोग्राम आपकी वोटर कार्ड जो है उसके साथ आपके मोबाइल नंबर को ऐड करने का है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिटेल्स हैं वो आपके पास भेज सके। इसके अलावा क्योंकि जिस तरीके से आजकल चल रहा है, हर चीज़ OTP के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से मोबाइल नंबर के थ्रू आप करेक्शंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक मुहिम ये भी थी कि आपके वोटर कार्ड के अंदर कोई भी गलतियाँ ना हो, उसको ठीक करने के लिए इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया है। तो ये ध्यान रखें, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें कि अगर आप इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम कम्प्लीट कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म 8 या 8A की हेल्प से अपनी डिटेल्स के अंदर जो करेक्शन चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको दोबारा वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या परिवार के सभी सदस्यों जिसमें छोटे बच्चे आते हैं उनको भी जोड़ना जरूरी है? तो यहाँ पे मैंने बताया था जब हम इलेक्टोरल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे थे ऐप के जरिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए, उसके लिए ये वीडियो था, उसके अंदर हमने देखा था कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं जिनको प्रस्पेक्टिव वोटर्स कहा गया था, जिनके आगे कुछ समय में वोट बनने थे, उनको ऐड किया जा सकता है। अगर 16 साल से नीचे का है तो उसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला सवाल कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सा हो सकता है, ऐप है, वेब पोर्टल है या कोई और माध्यम है? मैं यहाँ पे जो मैं पर्सनल रिकमेंड करता हूँ वो मैं मानता हूँ कि वोटर हेल्पलाइन ऐप सबसे बढ़िया मेथड हो सकता है, अगर एक दो प्रॉब्लम्स को छोड़ दें तो, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास उपलब्ध है और ये ऐप स्मार्टफोन के ऊपर काम करती है।
वेब पोर्टल के ऊपर आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपको मोबाइल नंबर, उसके थ्रू ओटीपी और जो भी डिटेल्स हैं उसके थ्रू करेंगे। परंतु यहाँ पे एक सिंपल ओटीपी के थ्रू एक बार ऐड हो जाता है और उसको ईजिली फिर हम ऐप के थ्रू सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम लोकेशंस को भी सेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो एक पूरा का पूरा ये वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर कि किस तरीके से हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस को सेट करें, तो ये वो ईजिली किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स देखते हुए मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए करें। अच्छा, एक कमेंट्स और बहुत बार बार रिसीव हुए, मैं देखने में मिला, आपस में कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, वो ये थे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो फेक है। तो उसके लिए मैंने वीडियो, जब वोटर हेल्पलाइन का जो ये वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि मैंने डिटेल्स में बताया था कि ये ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करने के लिए उसी वीडियो के अंदर लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शंस में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक है, सिर्फ इससे डाउनलोड करें। यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, इस जैसे दिखने वाली बहुत सारी ऐप हैं, वो सारी फेक हो सकती हैं, बट जो मैं जिस ऐप को मैंने यूज़ किया है या इस वीडियो में जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ या जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में दिया है, वो ऐप पूर्णतया से भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, जिसका कुछ भी पार्ट फेक नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, उसके थ्रू काम कीजिए। अब एक कमेंट और बार बार आ रहा है कि फेक नहीं है तो फिर ये ऐप बार बार क्रैश क्यों होती है। तो देखिए, एक साथ जब बहुत सारे लोग काम करेंगे, क्योंकि देश अपना बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वोटर्स हैं हम सब, तो जब इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो सर्वर कई बार डाउन हो जाता है, या सर्वर नेट की जो स्पीड होती है वो डिपेंडेंसी होती है उसके ऊपर ऐप्स की, तो इस वजह से वो क्रैश कर सकती हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मे बी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर उसको ट्राई कर सकते हैं, अभी किया, दो तीन बार आप लगातार ट्राई करके देखिए, मे बी हो सकता है अभी नहीं हो रहा, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, कुछ समय बाद उसको ट्राई करके देखिए, तो इस तरह की हो जाती है, अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। कुछ टेम्परेरी समस्याएँ होती हैं, वो कुछ समय बाद ठीक हो जाती हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऐप के थ्रू कीजिए। फिर भी अगर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे एक समस्या ये आती है कि जब आप आपके नाम में कोई करेक्शन करते हैं फॉर्म 8A की हेल्प से, या एट जो भी है डिटेल्स हैं, आप कोई करेक्शन कर रहे हैं, तो हमने इस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में, कि हमें वहाँ पे रेफरेंस आईडी नहीं मिलती ऐप के थ्रू। परंतु रेफरेंस आईडी जब आप वेरिफिकेशन पूरा कर लेते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, उस रेफरेंस आईडी की हेल्प से आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ध्यान रखिए, मैंने कहा है आप वेरिफिकेशन पूरा कर लेते हैं तो क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल नंबर को वोटर कार्ड के साथ जोड़ चुके हैं, यही फायदा था वेरिफिकेशन का। अब आप अगर उसके अंदर करेक्शन करते हैं तो जो भी रेफरेंस आईडी आएगी वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। दूसरी बात, क्या वेरिफिकेशन के दौरान करते हैं तो भी आएगी? हाँ, उसके दौरान भी अगर आप कोई चेंज करते हैं तो आपके पास SMS आएगा जिस नंबर के थ्रू आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब एक और सवाल यहाँ पे फिर बन जाता है कि क्या वेरिफिकेशन जब परिवार के सभी सदस्यों का करते हैं तो क्या एक नंबर सफिशियंट है या सभी को अलग अलग नंबर से करना पड़ेगा? तो मैंने बताया जैसे कि एक नंबर, एक आईडी बनाइए आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य, वो जरूरी नहीं है मुखिया का हो, वो पिता का हो सकता है, माता का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उस नंबर को आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के ऊपर लॉगिन कीजिए और उस नंबर के थ्रू फिर बाकी सभी मेंबर्स को ऐड कर दीजिए। उससे होगा क्या कि वो एक फैमिली क्रिएट हो जाती है वहाँ पे, लोकेशन उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो उस मोबाइल नंबर के थ्रू पहुँच जाएंगी। तो इस तरीके से एक के थ्रू ही सफिशियंट है, सभी को बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक पॉइंट फिर आता है यहाँ से कि कुछ सदस्य रह गए, वेरिफिकेशन तो कर लिया हमने एक नंबर के थ्रू, बट कुछ फैमिली मेम्बर्स रह गए हैं, अब उनको कैसे जोड़ें? तो उसको जोड़ने का आसान सा तरीका मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था, आप इसको पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं, बट मैं ब्रीफली यहाँ पे बता दूं कि आप ऐप को लॉग आउट करके और दोबारा से किसी दूसरे नंबर से, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, उसके दूसरे नंबर से लॉग इन करके दोबारा से जो बचे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको ऐड कर सकते हैं, उन सबका वेरिफिकेशन
कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इससे दो फैमिलीज क्रिएट नहीं हो जाएंगी? कोई समस्या नहीं है, दो हो जाने दो, लोकेशन एक ही है, परिवार एक है, वो कोई समस्या नहीं, तो आप दूसरी आईडी बना के उसके थ्रू भी उसको कर सकते हैं। या वोटर हेल्पलाइन ऐप, जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए, ओटीपी आएगा उस नंबर पे, जो बचे हुए सदस्य हैं उसको जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से सभी सदस्यों को आप ऐड कर लेंगे। अब बारी है उन सभी क्वेश्चंस की जो आपने कमेंट किए थे, जो मैंने कल पोस्ट डाली थी उसके ऊपर जितने भी कमेंट्स आए थे, लास्ट मैंने पूछा था कि जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर लिख दीजिए, तो इन सभी कमेंट्स का मैं अब बारी बारी से एक एक का जवाब दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, मेरे नाम सुधार और नया सदस्य के लिए कार्ड को जोड़ा था पर दोनों काम नहीं हुआ, 15 दिनों बाद सर्टिफिकेट अपलोड किया, कब सुधार कैसे करें? नाम सुधार या नए सदस्यों के जोड़ने के लिए कोई कार्ड, देखिए मैं इसको एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप कृपया करके दोबारा से एक बार लिखिए, ठीक से समझाइए, यहाँ पे उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल करेक्टिंग माय पेरेंट्स डिटेल इट वाज शोइंग दैट पेज यू आर रिक्वेस्टिंग इज नॉट अवेलेबल, द वेब पोर्टल इज शोइंग करेक्शन, वेरिफिकेशन स्टेटस इज नॉट सबमिटेड, बट आई गॉट रेफरेंस आईडी थ्रू एसएमएस, व्हाइल checking the status through the reference ID, it is showing BLO appointed. What should I do now? देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपको reference ID मिल चुकी है और reference ID मिलने के बाद आपको BLO appoint हो चुका है, BLO appoint होने के बाद अब BLO आपके पास विजिट करेगा और जो आपने वेरिफिकेशन के दौरान या जो आपने डिटेल्स को करेक्ट करने के दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था, उस डॉक्यूमेंट्स की जो फिजिकल कॉपी है वो आप तैयार रखिए, वो जो BLO आएगा आपके पास उसको आपको शो करनी है उस वो वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता चुका हूँ कि वो आपसे कॉपी की डिमांड नहीं करेगा, ये वीडियो मैंने डाला था, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किया था कि BLO अब डिमांड नहीं करेंगे कॉपी के लिए, वो सिर्फ देखने के लिए सफिशियंट है, वेरिफिकेशन करेंगे और जो फॉर्म होगा उनके पास उसमें फिलअप कर देंगे कि जो भी आदमी था, जो भी जिसका भी उन्होंने वेरिफिकेशन किया था फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का, वो डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहा है, इतना सफिशियंट लिख देंगे, वो उनकी डिटेल्स है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, वो जैसे ही BLO आपके पास आता है आप उसको डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, अब आपको और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिफिकेशन हो गया है, करप्शन अभी तक नहीं हुआ, शायद ये लिखने में कुछ गलती कर गए हैं, करप्शन नहीं है यहाँ पे, करेक्शन है, वेरिफिकेशन हो गया, करेक्शन में मे बी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, जैसे अभी डिस्कस किया BLO अपॉइंट होता है उसको ठीक करने के लिए जो वेरिफिकेशन होगी उसके लिए, तो मे बी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, तो वेट करें, अगर आपने कोई करेक्शन किया था तो उसकी रेफरेंस आईडी है, उसके थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ़ वी यूज ऐप फॉर वेरिफिकेशन देन देयर इज दिस ऑटो लोकेटिंग रेजिडेंशियल एड्रेस विद मैप, डज द कम्प्लीट एक्यूरेट एड्रेस कम अप और ओनली एरिया और पार्सल एड्रेस कम्स अप, इफ दिस इज द केस एंड इन सम सेम स्क्रीन वी आर अपलोडिंग आवर एड्रेस प्रूफ विच हैज़ फुल कम्प्लीट एड्रेस, विल इट नॉट बी ए मिसमैच और पोज ए प्रॉब्लम, प्लीज चेक एंड कन्फर्म, बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स ऑन दिस आई विल डिसाइड टू वेरीफाई विद ऐप और ऑन पोर्टल अवेटिंग रिप्लाई। तो देखिए, आप यहाँ पे आपने लिखा है कि आप जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, एड्रेस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो वहाँ पे ऑटो जब आता है तो करें कि नहीं करें। तो देखिए, लोकेशंस के लिए मैंने ये वीडियो कंप्लीट बनाया था, एक बार प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए, उसमें वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको करना क्या है। अब रही बात, आपने कहा है कि वो पार्शल एड्रेस लेगा या कंप्लीट एड्रेस लेगा, तो मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा, अगर आप गूगल मैप से इस वीडियो के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आप पिन पॉइंट लोकेशन आपके घर के इवन कमरे तक की भी लोकेशन सेट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कंप्लीट एड्रेस होगा, बिल्कुल ठीक एड्रेस वो अपने आप ले लेगा उस ऐप के जरिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अगर मेरी फैमिली में 18 से ऊपर का कोई मेंबर है जिसका न्यू वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या जब हम वेरीफाई करते वक्त उस मेंबर को ऐड ना करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना है, और दूसरी बात, अगर आप उसको ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं नो प्रॉब्लम एट, आप उसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इजी है ऑनलाइन करना, आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू कीजिए, बहुत आसान है, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैं भी सेम शेक्तुल हक जैसा प्रॉब्लम फेस करता हूं, तो आपको आंसर मिल ही गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वेरीफाई करने के बाद करेक्शन करना चाहता हूं, रेफरेंस नंबर कैसे मिलेगा, मोबाइल ऐप से दोबारा करेक्शन कर सकते हैं क्या? आप करेक्शन करना चाहते हैं कर लीजिए, वेब पोर्टल के थ्रू भी, वो मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी था, आप वेरिफिकेशन करने के बाद भी करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हेलो सर, मैंने मेरे फादर के आईडी से ग्रुप बनाया था और सबको ऐड भी कर दिया। ग्रुप बनाने के बाद मुझे लगा कि उसमें बहुत सी गलतियां हैं, फिर मैंने मेरे आईडी से ग्रुप बनाया और पूरे फैमिली को ऐड किया। अब क्या मुझे मेरे फादर की आईडी से बना हुआ ग्रुप डिलीट करना होगा या रहने दूं? प्लीज़ रिप्लाई। आप रहने दीजिए, आपने अगर अपनी आईडी से क्रिएट करके सबको वेरीफाई कर दिया है देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, वेरिफिकेशन हो चुका है, परिवार के सभी सदस्य जुड़ चुके हैं और उनकी जो करेक्शंस हैं वो आपने ठीक, जितनी भी गलतियां थी वो सारी करेक्ट कर दी हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने वेरीफिकेशन कर लिया है। मैं सर अपने डिटेल्स में करेक्शन भी करना चाहता हूँ मोबाइल ऐप से ही EVP प्रोग्राम के साथ साथ, तो सर मुझे रेफरेंस नंबर मिलेगा या नहीं, प्लीज़ बताएं। देखिए, मैंने अभी बताया है इस वीडियो में, जैसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम को अगर आप उस दौरान कोई करेक्शन करना चाहते हैं अपने किसी भी डिटेल्स में, तो मैंने उसके लिए जो एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है वो आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप वेब पोर्टल के थ्रू करते हैं तो आपको नंबर तुरंत मिलता है, जो रेफरेंस नंबर है जिसको सर्च करके आप अपने स्टेटस पता कर सकते हैं, परंतु जब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू करेंगे, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, करेंगे तो जो रेफरेंस आईडी आएगी वो आपके नंबर पे आएगी, उससे पहले वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, यानी कि वोटर के कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर अटैच होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारे डिटेल्स मैंने बताया है आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज के थ्रू आएगी रेफरेंस आईडी। तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बट मैं ये कहूँगा अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वेब पोर्टल के थ्रू करेंगे तो अच्छा रहेगा, बट अगर वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू भी कर चुके हैं। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो मुझे यहाँ से रिसीव हुए, या अभी तक जो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे सभी वोटर्स के साथ, सभी साथियों के साथ। तो मेरी कोशिश रही कि जितने भी क्वेश्चंस रहे वो सारे मैं सोल्व कर पाऊँ, आपको जवाब दे पाऊँ। तो मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, पिछले 6-7 वीडियो इसके ऊपर बने हुए हैं, तो आप कंप्लीट उन वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे वेब पोर्टल पे, वोटर हेल्पलाइन ऐप पे, या आप किस तरीके से उसके अंदर करेक्शंस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे रह गया था जिसको हमने डिस्कस करना था, वो था सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, तो उसके लिए एक मैं ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, तो सर्टिफिकेट किसको मिलेगा या नहीं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिसके नाम से रजिस्टर हुआ है वोटर हेल्पलाइन ऐप पे, सिर्फ उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेने के लिए है, और उसके बाद ये पूछते हैं कि क्या सर्टिफिकेट हमें कहीं और सबमिट करना होता है, तो आपको सर्टिफिकेट कहीं सबमिट नहीं करना होता, वो सिर्फ आपके काम का अप्रिसिएशन है कि आपने काम कंप्लीट किया है, और काम कंप्लीट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, एक जिसके नाम पे, यानी कि जो मोबाइल नंबर था और जिसने बाकी सभी मेंबर्स को ऐड किया है, उसके लिए है सर्टिफिकेट, और वो वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू मिलता है। तो यहाँ तक थे ये कुछ एक क्वेश्चंस। अब मेरे ख्याल से इस वोटर हेल्पलाइन ऐप या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर हेल्पलाइन ऐप थी या इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम था, उससे रिलेटेड जहाँ तक मैं समझता हूँ कंप्लीट वीडियोस हो चुके हैं अभी तक। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो हमेशा की तरह नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। उन सभी प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, सबके लिंक मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि वोटर हेल्पलाइन ऐप फेक नहीं है, वो एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, मैं एग्जैक्टली कहूँ तो, और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, कोई समस्या नहीं है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चेक करना चाहें तो जब अपने गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के थ्रू जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर उसका पब्लिशर चेक कर लीजिए कीजिए। सिर्फ इसी ऐप के लिए नहीं कह रहा मैं, मोबाइल के अंदर, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है और हर चीज़ें मोबाइल के थ्रू या ऐप के थ्रू, एंड्रॉयड सामान्यतया हम यूज़ करते हैं, तो किसी भी, चाहे वो एंड्रॉयड हो या आप iOS यूज़ कर रहे हो, कोई भी किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें
या आपको संशय हो कि वो ऐप फेक है या फेक नहीं है, तो उसके लिए उसका पब्लिशर चेक कर लें। पब्लिशर कैसे चेक करेंगे, उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं मोबाइल से रिलेटेड नेक्स्ट सीरीज पूरी की पूरी 5-7 वीडियो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि हमें सिक्योरिटीज़ के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने मोबाइल का 100% यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि स्मार्टफोन है हम सिर्फ उसका कॉलिंग के लिए, रिकॉर्डिंग या वीडियोज़ वॉच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी उसके बहुत सारे यूजेज हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम किस टाइप का मोबाइल हमारे पास होना चाहिए, हमें उसके ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसको कहाँ कहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी आगे हम देखेंगे वीडियोस के अंदर जो आपके आधार से रिलेटेड हो सकती हैं, या इसी तरह के जो आपके जो काम घर बैठे बैठे आपको पहले बाहर जाना पड़ता था, घर बैठे बैठे आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आइकन जो बना आता है साथ में जो बेल आइकन बना हुआ आता है उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो जब भी वीडियो नया डले उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप उसको देख पाएं। तो यहाँ तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरीके से बने रहें।